अगर आपने आज से पहले कभी मंचूरियन ट्राई किया और आपका परफेक्ट नहीं बना तो ये रेसिपी आपके लिए है। इसमें मैं आपके साथ इसे बनाने के रेशो के साथ साथ सारे टिप्स और ट्रिक भी शेयर करूंगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया 2 कप पत्ता गोभी, 1 कप प्याज और इसमें ऐड करते हैं 1/2 चम्मच नमक। इसे एक बार मिक्स कर देते हैं और इसे 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। ये स्टेप फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है। अगर आप इसी के साथ सब कुछ मिक्स करेंगे तो आपकी मंचूरियन बॉल्स की जगह पकौड़े बन जाएंगे। तो 5 मिनट कंप्लीट हो गया है, इसके पानी को स्क्वीज करते हैं। देखिए इसमें कितना पानी है। पानी को साइड में रखते हैं, इसे लेते हैं एक मिक्सिंग बोल में। इसमें ऐड करते हैं 1 कप गाजर जिसे मैंने बिल्कुल बारीक ग्रेट किया हुआ है। इसमें जाएगा 1/2 लहसुन का पेस्ट और 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसके बाद इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जिसे मैंने 1/2 चम्मच ऐड किया है और इसमें जाएगा 4 चम्मच मैदा। अगर आप पानी को नहीं निकालते तो इसमें बहुत ज्यादा मैदा डलता और बिल्कुल आटे जैसा फ्लेवर आता। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं 3 चम्मच अरारूट। रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 4 चम्मच मैदा जाएगा तो 3 चम्मच ही अरारोट जाएगा। सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स बिल्कुल रेडी हो गया है, इसकी बॉल्स को रेडी करते हैं। मैंने नींबू के साइज की बॉल्स बनाई हुई हैं क्योंकि अभी ये ग्रेवी में जाके और फूलेगी। इसी तरीके से सारी मंचूरियन बॉल्स को रेडी कर लेते हैं। ये फटाफट बनती है, इसे एकदम चिकना और गोल शेप देने की जरूरत नहीं है। बॉल्स रेडी है, इसे साइड में रखते हैं। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और एक एक करके सारी बॉल्स को ऐड करते हैं। इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसे डबल फ्राई करेंगे। सारी बॉल्स को ऐड करने के बाद इसे बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं जब तक कि ये बेस इसका अच्छे से सेट ना हो जाए, ये एक तरफ से कुक ना हो जाए। तो बॉल्स एक साइड से बिल्कुल अच्छे से सिक गई हैं, इसे एक एक करके टर्न करेंगे। इसके बेस को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से फॉलो करें। चलिए सारी बॉल्स को टर्न कर लेते हैं। देखिए इसका कलर, सब्जियां भी अच्छे से दिख रही हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मैदा और अरारूट ऐड कर देते तो सब्जियों का फ्लेवर बिल्कुल ही खत्म हो जाता। सारी बॉल्स को निकाल लेते हैं, इसे 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे और ऑयल को काफी अच्छे से गर्म करेंगे, गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं। 5 मिनट बाद हम इसे डबल फ्राई करेंगे। तो 5 मिनट रेस्ट करने के बाद डबल फ्राई करने की बारी आती है। इस टाइम आपको ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। इसे सेकने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। तो बॉल्स बिल्कुल रेडी हो गई हैं, इसे निकालती हूं और आपको चेक करती हूं। लेते हैं एक कढ़ाई, मैंने पतले तले की कढ़ाई ली हुई है, अगर आपके पास वो है तो आप उसमें बनाएं। मैंने इसमें लिया 1 बड़े चम्मच तेल, इसमें जाएगा ढेर सारा लहसुन, इसमें जाएगा ढेर सारा अदरक। दोनों चीजों को हाई फ्लेम पर भूनेंगे। तो ये अच्छे से भुन गई है, इसमें ऐड करते हैं हरी मिर्च। मैंने 3 हरी मिर्च को लंबा लंबा काटा है, इसे भी ऐड करते हैं। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, इसमें ऐड करते हैं अनियन को, मैंने इसके पेटल्स काटे हुए हैं। इसके बाद इसमें जाएगा शिमला मिर्च। सारी सब्जियों को 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेते हैं। तो सब्जियां अच्छे से भुन गई हैं, गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। इसमें ऐड करते हैं 2 चम्मच सोया सॉस,
आपको ध्यान रखना है, सॉसेस को ऐड करते टाइम गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। इसमें जाएगा 2 चम्मच चिली सॉस, ये रेड चिली सॉस है। इसमें जाएगा 1 चम्मच वाइट विनेगर और 2 चम्मच जाएगा टोमेटो केचप। सारी चीजों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसकी फ्लेम को मैंने अब ऑन कर दिया है। इस पर कढ़ाई को रखते हैं। इसमें जाएगा 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, इसे भी भून लेते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। आज हम ग्रेवी मंचूरियन बना रहे हैं तो इसमें 2 बोल भर के पानी को ऐड करेंगे। इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देते हैं। मैंने एक बोल में 2 चम्मच अरारोट लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, इसे मिक्स करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद और पानी ऐड करेंगे जिससे इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। तो हमारी स्लरी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए कितना अच्छा बॉईल आ गया। इसमें स्लरी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हो, फटाफट इसे चला लेते हैं। स्लरी को ऐड करने का पर्पज है, एक तो हमारी ग्रेवी बिल्कुल सिल्की बनेगी, सेकंड हल्की सी थिक हो जाएगी। इसे 2 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिया। इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया। इसमें बॉल्स को ऐड करते हैं। तो मैंने सारी मंचूरियन बॉल ऐड कर दी है। इसे एक बार चला लेते हैं और इसे 2 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। टोटल मैंने 15 बॉल्स बनाई हुई थी। बॉल्स को ऐड करने के बाद इनका साइज भी काफी बढ़ गया है। इसमें ऐड करते हैं स्प्रिंग अनियन और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब बारी आती है सर्व करने की। तो हमारी ग्रेवी मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को इस तरीके से जरूर ट्राई करें और आपकी कैसी बनी है आप हमें अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे।